हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम है पाइथन के अंदर, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग क्यू लर्निंग। सो आरएल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे अपन यूजिंग क्यू लर्निंग। ओके, सो रेनफोर्समेंट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग पैराडिग्म्स इन विच लर्निंग एल्गोरिथम इज ट्रेंड नॉट ऑन प्रेजेंट डेटा बट रादर बेस्ड ऑन अ फीडबैक सिस्टम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू इम्प्लीमेंट अ बेसिक रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम विच इज कॉल्ड क्यू लर्निंग टेक्निक विच एवर आई टोल्ड यू अबाउट इन लास्ट वीडियो, राइट? सो इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन we attempt to teach a bot to reach its destination using the Q learning technique. Okay, so let's do this. First of all, import the required libraries. So we'll import NumPy, PyLab, and NetworkX. So these libraries we'll import. Okay. So these three libraries we'll import. Then we'll define and visualize the graph. We'll define the graph, the edges of the graph. So the edges of graph is like there is graph and these are nodes 0, 1, 2, 3 up to 9 are nodes. And there is edge between 0 and 1, edge between 1 and 5, that is edge. And goal is 10, and g will define the graph nx dot gx, and this will be g will be graph. Okay, so we'll add edges to this graph. Suppose because this is the class we have, this graph class we have inside network x library. So humne isko isse ye object bana diya g se, theek hai? और इसके मेथड को कॉल किया एड एजेस फ्रॉम, ये एजेस एज ए पैरामीटर्स मैंने पास कर दिए, ठीक है? अब मैंने पोजीशन ली, इसके अंदर एक और जो फंक्शन है स्प्रिंग लेआउट, उसका मैंने ये कर दिया, एक स्प्रिंग लेआउट बना ली इससे। और फिर बाद में मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया नेटवर्क्स को, नेटवर्क नोड्स को। सो ये जो nx डॉट ड्रॉ करना था, इसके अंदर मैंने भेजे ग्राफ और उसकी पोजीशन, उसकी कौन कौन सी पोजीशन है। सो स्प्रिंग लेआउट से हमें पोजीशन पता चल गई कि उसकी क्या क्या पोजीशंस है, ठीक है? फिर ड्रॉ किया हमने नेटवर्क x एजेस को, उसको ड्रॉ कर लिया, जितने भी एज हैं, पहले तो नोड्स को ड्रॉ कर लिया, फिर नेटवर्क को उसके एजेस को ड्रॉ कर लिया, फिर उसके लेबल्स को ड्रॉ कर लिया, ठीक है? और फिर उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको, एक एक करके दिखाता हूँ। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले नोड आ गए, ठीक है? अब उसके लेबल को भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? अब देखिए ये इसके लेबल आ गए इसके साथ में। अब उसके एजेस को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ये हमने कर लिया उसके एजेस को। तो दिस इज द एज एंड हाउ इट कनेक्ट, आप देख सकते हो जो भी आपने भेजा है, 0, 1 से कनेक्ट है और किस तरीके से कनेक्ट है मैं दिख रहा है, ठीक है? आप देखो ग्राफ है, ग्राफ कोई भी उसमें आ सकता है। आप बार बार इसको रन करवाते रहो, आपको अलग अलग इसका फॉर्मेशन, ग्राफ का फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन वही है कि 0, 1 से कनेक्टेड है, हर बार 0, 1 से कनेक्टेड है, हर बार ये इससे कनेक्टेड है, तो ये सब रहेगा ही रहेगा, ये सब सेम रहेगा, ठीक है? सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, सीधा सा ग्राफ लिया, ग्राफ क्लास ली, ग्राफ क्लास के अंदर मैंने उस क्लास के अंदर ये जो
जो भी एजेस है उसको ऐड करवाया। फिर बाद में मैंने पोजीशंस ली, कौन कौन सी पोजीशंस के ऊपर स्प्रिंग लेआउट से इसके अंदर ग्राफ भेजा और उसकी पोजीशंस ली, और इन पोजीशंस के ऊपर, पर्टिकुलर पोजीशंस के ऊपर हमने वो ड्रॉ करवाया और एजेस बनाई उनके बीच में और लेबलाइज कर दिया उनको। और फिर बाद में P1 डॉट शो करके हमने इसको मतलब ये कर दिया। अब आप कहोगे कि PL क्या है, वन नहीं है सॉरी PL क्या है, तो PL ये पाइलैब हो गया जिसकी मदद से हम ग्राफ को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। सो पाइलैब ये हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये इतना समझ में आया। अगर इसमें कोई भी डाउट है सो आप कमेंट आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट विल डू दिस, ओके। सो हेयर विल रन इट, सो विल गेट ऑल द कनेक्शन एजेस एंड इन दिस विल व्हाट विल डू विल डिफाइन डिफाइन द रिवॉर्ड्स द सिस्टम फॉर द बोट, विल डिफाइन रिवॉर्ड्स बेसिकली, ओके। सो हेयर यू कैन सी द मैट्रिक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड हेयर ऑल्सो 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ओके। सो लाइक दैट वी हैव मैट्रिक्स मैट्रिक्स, ओके। सो अपने पास में एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं रिवॉर्ड्स को। तो मैट्रिक्स की जो साइज है वो है 11, ठीक है। MN मैट्रिक्स की हमने, और मैट्रिक्स में NP डॉट वंस बेसिकली ये सारे इनिशियली वंस पे हैं, तो शेप ऑफ मैट्रिक्स है वो दोनों एक जैसी है, ठीक है। सो ये हमने किया वंस की मैट्रिक्स के लिए, मतलब सारे जो वो हैं वो वंस है। अब हमने क्या किया, अब हमने किया कि m इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय -1, सभी को मैंने -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। सो जितने भी वो थे उनको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। फॉर पॉइंट्स इन एज, जितने भी पॉइंट्स हैं एजेस के अंदर, ठीक है, ये हमारा एज है यहाँ पर एजेस के अंदर, एक एक पॉइंट लिया हमने और प्रिंट करवाया पॉइंट को, जैसे कि हमने 0 1 की बात की। अच्छा ठीक है, देखो जो जिसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं वो तो -1 रहेगा, और जिसको हम चेंज कर दे रहे हैं वो प्लस हो जाएगा, मतलब उसको हम चेंज कर देंगे बेसिकली। तो बाय डिफॉल्ट ये -1 है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, आपको प्रिंट करवा के दिखाऊँ एम को, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए बाय डिफॉल्ट ये सारे -1 है, ठीक है। इनिशियलाइज किया मैंने -1 से। अब मैंने एक एक पॉइंट लिया एज से, एक एक पॉइंट लिया उसको प्रिंट करवाया। अगर पॉइंट मतलब 1 इक्वल टू गोल है हमारा, गोल क्या है 10, अगर पॉइंट का जो फर्स्ट पार्ट है, पॉइंट के अंदर दो चीजें हैं, एक तो 0 है और एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक 0 और एक मतलब दो दो पोजीशन है ना, 0 ये वाली 0th हो गई और ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, 0th एंड फर्स्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि जो फर्स्ट पोजीशन है अगर वो गोल है तो आप एम पॉइंट उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कर दो 100, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने गोल फिक्स किया था 10, ओके। सो यहाँ पर देखिए कहाँ है वो चीज, इस पर्टिकुलर जगह पर हो रही है वो चीज, इस पर्टिकुलर जगह पर हो रही है वो चीज, वो भी देखते हैं अपन किसके लिए है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर पॉइंट का जो फर्स्ट वाला पार्ट, एक पॉइंट के अंदर एक चीजें हैं, ये एक बेसिकली टप्पल आ रहा है, और यहाँ पर देखिए इस जगह पर 10 है 9 और 10 के लिए, सो 9 और 10, 9 और 10 इस जगह पर है ना, 9 और 10 है, और भी है क्या कहीं, नहीं एक ही जगह है 9 और 10, बाकी हमारा कहीं गोल नहीं आ रहा है। तो देखते हैं हम एम पॉइंट को कर देंगे 100 यहाँ पर, एल्स उस पॉइंट को हम 0 कर देंगे। अगर 0th वाले के ऊपर गोल आ रहा है, अगर 0th वाले के ऊपर गोल आ रहा है, अगर इस जगह पर गोल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो पॉइंट है आपका एम पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मतलब -1 के अंदर, और उसको 100 कर देंगे, ठीक है।
ये इसका मतलब होता है, इस पर्टिकुलर चीज का मतलब होता है, मैं यहाँ खोल के बताता हूँ। सपोज आपके पास में एक लिस्ट है, ये 1 2 3 है ना, और आपने कर दिया इसके ऊपर ये कॉलन कॉलन -1, ठीक है। तो अब ये जो लिस्ट हो जाएगी, और इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा ना, मैं तो ये आएगा 3 2 1। तो ये बेसिकली इस लिस्ट की सीक्वेंस को रिवर्स कर देता है, या फिर कोई भी लिस्ट हो या टपल हो या फिर कोई स्ट्रिंग हो। स्ट्रिंग पे भी ये होता है, अगर मैं सपोज मान लो कि हमारे पास में एक ये एक स्ट्रिंग है और मैंने इसके ऊपर ये कर दिया कॉलन कॉलन -1, तो ये हो जाएगा OLLEH, ठीक है। तो रिवर्स करने के लिए काम में आता है, स्लाइसिंग नोटेशन है बेसिकली, ठीक है। सो अब अपन आ जाते हैं अपने उस पर। सो आगे जो है हमारा, जो कह रहा है कि अगर जीरोथ वाला कॉलन है, गोल है, तो हम उसको रिवर्स कर देंगे। मतलब अगर यहाँ पर 10 है, मान ले जी है, यहाँ पर 10 और 9 होता, तो हम इसको कर देते फिर बाद में 9 10, वापिस से रिवर्स करके उसी पॉइंट को हम 100 करते, ठीक है। और एल्स में एक और है कि अगर, या फिर एल्स कंडीशन है, अगर ये नहीं है, ये नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको रिवर्स के अंदर, उनके रिवर्स पॉइंट्स के अंदर हम 0 करवा देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए 0 1, 0 1 कहाँ पर आ रहा है, क्या वो इसमें आ रहा है, क्या उसका फर्स्ट वाला गोल है, नहीं, क्या उसका पहला वाला, ये तो मतलब सेकंड वाला है बेसिकली, ठीक है, या फिर 0th पोजीशन वाला गोल है, नहीं है। तो इसके अंदर क्या ये एल्स कंडीशन में आता है, हाँ एल्स कंडीशन में आता है। तो हम क्या कर देंगे, 1 0 को, 1 0 वाले को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। सो 1 0 वाले को 1 और ये 0 हो गया, इसको कर दिया हमने 0, ठीक है। इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे। हम यहाँ पर आएंगे जब, कि जब हमें यहाँ पर गोल मिला एक अपना, इस जगह पर गोल मिला ना, ये 9 और 10 का, तो ये तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आता है, तो फर्स्ट पोजीशन के अंदर आता है, तो हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया, ये देखिए 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 11 मान रहे हैं ना अपन, मतलब 0 से लेकर 11 तक जा रहे हैं ना, सॉरी 11 साइज है, मैट्रिक्स की साइज 11 है। सो हमने क्या किया, 9 और 10 हमारा वो है। सो 9 कहाँ पर आता है, इस जगह पर आ गया, 1 से स्टार्ट किया था 0 1 2, ये 9 हो गया अपना। सो 9 ये वाला हो गया, और इस जगह पर 100 है, ठीक है, ये वाला 10 हो गया, तो ये 100 है ही, और 10 10 वाला 100 है, हाँ 10 10 वाला तो होगा ही, क्यों, बेसिकली 10 10 तो कोई पॉइंट है नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो 100 इसलिए है क्योंकि वो दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करता है, इसीलिए उसको बाय डिफॉल्ट 100 रख दिया अपनों ने, वो 100 है ही अपने आप में। और ये सारी क्या है, फ्लोट वैल्यूज हैं, ठीक है। और बाकी जो चेंज नहीं हुआ वो तो -1 में है ही, और जो जो पॉइंट्स मतलब उस कैटेगरी में, गोल कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको हमने सबको 0 कर दिया। -1 इसलिए रखा क्योंकि इधर जाने पर कोई रिवॉर्ड नहीं है, और 0 इसलिए रखा क्योंकि उसका कोई रिवॉर्ड है, वो 0 है, क्योंकि इससे अपन वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर किसी नोड से अगर हम गोल स्टेट पे पहुंच जाते हैं, वही हमने हमें 100 देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया। और जब हमने ये देखो, यहाँ पर गोल गोल को, गोल से गोल को 100 जानबूझकर बनाया गया है बाय डिफॉल्ट, हमने यहाँ पर हमने इस चीज़ को बनाया है इस जगह पर, और फिर प्रिंट करवा दिया। सो ये एट गोल पॉइंट्स राउंड ट्रिप्स जब हमने करवाया, तो ये एक्चुअल मैट्रिक्स है, ये पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स के अंतर्गत अगर एक भी गोल पॉइंट है, तो उसको हमने क्या करना है, 100 बनाना है। और हमेशा अगर देखो इस जगह पर अगर 10 है, तो उसका रिवर्स करो, रिवर्स करने के लिए ये वाली टेक्निक है ही, फिर उसको करो, और अगर नहीं है तो भी उसका रिवर्स करके उसको 0 कर दो, ठीक है, रिवर्स करके 0 कर दिया हमने, ठीक है। और लास्ट में हमने जो 10 10 वाली पॉइंट्स हैं, 10 10 वाले पॉइंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम दो चीज़ों को अपन डिटरमाइन करते हैं। तो जब 10 10 आया, हमने इसको 100 कर दिया, ठीक है। सो
फिर से बता देता हूँ, मैट्रिक्स है एनपी डॉट वंस, और शेप जो वंस की जो शेप दी हमने, शेप देनी पड़ती है इक्वल टू मैट्रिक्स साइज, जो भी हमें मैट्रिक्स साइज डिटरमाइन की थी ये। सो एनपी डॉट वंस बाय डिफॉल्ट तो वन होगा, फिर बाद में, या हम जीरोज भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट उसको जीरोज भी रख सकते हैं, वो मैटर कर मतलब वो अपने ऊपर मैटर करता है क्या। फिर हम डिफाइन करेंगे सम यूटिलिटी को, यूटिलिटी फंक्शन को टू बी यूज्ड इन ट्रेनिंग, जो भी यूटिलिटी फंक्शन फंक्शन है ट्रेनिंग के अंदर यूज होगा उसको हमें डिफाइन करना है। ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन हो गया। एक सेकंड, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन हो गया, इसको मैं रन करवा देता हूँ, तो कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई एरर। यहाँ पर देखिए, क्यू इक्वल टू एन पी डॉट मैट्रिक्स, एक हमने क्यू नाम की मैट्रिक्स बनाई। अब ये वहाँ ऊपर सारी जीरो थी, वहाँ ऊपर सारी जीरोस थी, यहाँ पर सारी सॉरी ऊपर सारी वंस थी, यहाँ पर सारी जीरोज है, ठीक है। गामा की वैल्यू जो कि लर्निंग फैक्टर था, मैंने कल पिछले वाली वीडियो में बता रखा था ना आपको, गामा जो एक लर्निंग पैरामीटर है उसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। गामा की वैल्यू को सेट कर दिया, फिर इनिशियल स्टेट जो अपना वन है उसको मैंने सेट कर दिया इनिशियल स्टेट। मैंने देखो कल आपको क्यू लर्निंग के अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास में, मैं अभी भी आपको लिख के डालता हूँ, हमारे पास में दो चीजें होती हैं, क्यू एस ए, करंट स्टेट, करंट एक्शन, और इसको हम अपडेट करते हैं, ये हो गया अल्फा आर प्लस गामा जो कि लर्निंग रेट है हमारे पास में, एस ए डैश, और इसमें से माइनस किया हमने क्यू एस ए, ठीक है। तो यहाँ पर R हो गया रिवॉर्ड, जो भी रिवॉर्ड मिल रहे हैं अपनों को, गामा हो गया लर्निंग रेट, और Q हो गया हर बार जो उसका लर्निंग पैरामीटर है, जो भी हम कह सकते हैं टेम्प टी डी अपडेट बोल सकते हैं इसको, हम टेम्पोरल डिफरेंस टी डी अपडेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये हमारा हो गया गामा, गामा तो देखो 0 और 1 के बिटवीन होता है, और अल्फा हो गया स्टेप लेंथ, ये होगी लर्निंग रेट, स्टेप लेंथ की कितने स्टेप लेंथ लेनी है अपनों को, स्टेप लेंथ लेनी है, और ये जो है वो है डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर लर्निंग पैरामीटर को हमने सेट कर दिया 0.75, और इनिशियल स्टेट वन, वन से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और डिटरमाइन कर रहे हैं अवेलेबल एक्शंस फॉर अ गिवन स्टेट। हमने अवेलेबल एक्शन जो भी हमारे पास में अवेलेबल एक्शंस है वो हम डिटरमाइन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर क्या क्या अवेलेबल एक्शन है। करंट स्टेट रो वो तो आ जाएगी कि कौन सी स्टेट के ऊपर है, वो देखो अगर स्टेट जो भी स्टेट है हमारी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, यहाँ पर 1 है, अगला कुछ भी हो सकता है, उससे आगे वाला कुछ भी हो सकता है, तो हम जितनी भी वो स्टेट है मतलब एक मैट्रिक्स में उस स्टेट से मतलब फर्स्ट से एसोसिएटेड जितने भी एजेस हैं उन सबको हम करंट स्टेट रो के अंदर ले आएंगे। फिर अवेलेबल एक्शन एनपी डॉट वेयर, वेयर एक फंक्शन है, वेयर जो फंक्शन है वो क्या करता है, सो इन दिस फंक्शन व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें है ना एक, ये एक नंपाई का फंक्शन है जो कि स्पेसिफाई करता है कोई कंडीशन, ये जो कंडीशन है अगर उस पर मीट करेगी तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को वो स्पेसिफाई करता है, ये एक प्रोवाइड करता है कि एक वे टू परफॉर्म एलिमेंट वाइज कंडीशंस ऑपरेशंस ऑन अरेज एंड एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक एलिमेंट्स और उसकी लोकेशंस बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस, उसकी लोकेशन जो है या फिर उसके ऊपर जो उसकी अरे है, या फिर मैं उसकी लोकेशन बता दूँ, स्पेसिफिक एलिमेंट की लोकेशन बता दूँ, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट ही अपनों को निकालना है, वो उसकी कंडीशन के आधार पे अपनों को मिल जाएगा।
ठीक है। तो हमने ये जो वन लिखा है यहाँ पर, जो वन लिखा है वो कह रहा हूँ कि भाई मेरे को लोकेशन निकाल के दे दे, जो अरे है उसके अंदर वो लोकेशन निकाल के दे दे। तो देखिए मैंने यहाँ पर, अगर ये जो एम है, सबसे पहले समझते हैं एम क्या है। एम ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स है, और इसके अंदर हमने करंट स्टेट निकाल लिया जितनी भी स्टेट्स हैं। अब सपोज हमने इनिशियल स्टेट रखी वन, वन के लिए जितने भी वो आ गए, उससे एसोसिएटेड वेरिएबल्स आ गए, फर्स्ट रो 0 1, फर्स्ट रो ये वाली रो निकल के आ जाएगी, इससे इस स्टेट से एसोसिएटेड जो रो है वो निकल के आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। अब हमें ये करना है कि इस रो के अंदर, जो इस रो के अंदर हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम, जहां पर 0 और 100 हो वहीं पे तो जा सकते हैं, -1 वाले के ऊपर तो जा ही नहीं सकते। तो हमने एक कंडीशन लगाई कि 0 या उससे बड़े वाला जो भी हो उसके ऊपर हम जा सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पर ये ना दूँ और फिर मैं रन करवाऊँ इसको, तो हमारे पास में आ जाएगा ये कि ये अरे आ गई, ठीक है, और ये अरे आ गई। हमें ये चाहिए ना, सेकेंड वाला ये चाहिए, इसीलिए मेरे को ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है, फर्स्ट वाला चाहिए हमें तो, ठीक है। ये कह रहा है 0 0 0, इससे हम इस पे जा सकते हैं, इस पे जा सकते हैं, इस पे जा सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अरे, सो ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और ये एक्शन हम, अवेलेबल एक्शन हम ले सकते हैं। अवेलेबल एक्शन ये दिखाता है कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं इस पर्टिकुलर नोड से, यू समझो। इस पर्टिकुलर, हम फर्स्ट वाली कंडीशन पे हैं, इससे हम किस किस पे जा सकते हैं, 0 पे जा सकते हैं, 7 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं। तो वही चीज आई है, इसने कहा है 0 पे जा सकते हो, 2 3 5 और 7, इन सब पे जा सकते हो। जब हमारा ये वन ना लो, आप इसको ले लो 4, 4 से किस किस पे जा सकते हैं ये चेक करते हैं, 2 और 5, 4 से हम जा सकते हैं 2 और 5, 4 कहाँ है हमारा, 4 ये, इससे हम 2 और 5 पे जा सकते हैं, यही अवेलेबल एक्शन हम ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अगर मैं इसको ये ना दूँ तो ये दोनों मेरे को रिटर्न कर देगा 0 0 और 2 5, इसीलिए मेरे को ये बताना ज़रूरी है कि मेरे को फर्स्ट वाला चाहिए, इसकी इंडेक्सिंग करना ज़रूरी है हमारे। ये तो एम के अंदर एक तो हमें ये कंडीशन है, और फिर बाद में ये एक टप्पल रिटर्न करता है, ठीक है। सो टप्पल के अंदर हमें फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर की जो वैल्यू है वो चाहिए, वो हमारी ये है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अवेलेबल एक्शन, जिसके अंदर हम स्टेट पास करते हैं, स्टेट पास करके उस स्टेट से एसोसिएटेड जो रो है वो हम इसके अंदर स्टोर करवा लेंगे। अगर मैं यहाँ की भी वैल्यू दूंगा तो पर्टिकुलर सेल देगा मेरे को, लेकिन इसकी वैल्यू देने पर वो पर्टिकुलर कॉलम, जो रो है मेरे को, वो इसके अंदर डाल देगा। फिर इस पर्टिकुलर रो के अंदर हम चेक करेंगे कौन सी वैल्यू 0 से बड़ी है, और उसका जो फर्स्ट वाले इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उस टपल के अंदर, वो हम अवेलेबल एक्शन के अंदर डाल देंगे और उसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा अवेलेबल एक्शन। फिर जो दूसरा है हमारे पास में, चूज वन ऑफ द अवेलेबल एक्शन एट रैंडम, कोई भी अवेलेबल एक्शन को रैंडमली चूज करो, ठीक है। सो रैंडमली चूज करने के लिए हमें तो पता ही है, रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन लगाते हैं, और अवेलेबल एक्शन जो हमने रेंज पास की, ये रेंज हमें पास करनी पड़ेगी, एक रेंज है जो हमें एज ए रेंज, हमें जितनी भी रेंज जैसे अवेलेबल एक्शंस की जो रेंज है वो हमने पास करनी पड़ेगी। उस रेंज के अंदर से हम अवेलेबल जो एक्शन होंगे हमारे, वो हम उसके अंदर से कुछ भी एक एक हमें एक चॉइस लेनी है, एक चूज करना है, ठीक है। सो रैंडम डॉट चॉइस अवेलेबल एक्शन के अंदर हमें कोई एक चूज करना है जो कि नेक्स्ट एक्शन होगा, और उसे हम रिटर्न करवा देंगे। उसकी बेसिकली हम कोई भी एक वैल्यू हमारे पास है यहाँ से निकल के आ जाए, मैं जैसे आपको ये करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी, और इसके अंदर अवेलेबल एक्शन के अंदर मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ ये, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अब मैंने इसको रन करवाया तो देखो हमारे पास में 2 और 5 है, इसमें से कोई एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर से मैं देखता हूँ, इस बार भी 5 आ रहा है,
इस बार 2 आ रहा है, तो कोई भी ये रैंडम वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है और हमें इसको इंटीजर में चेंज करना बहुत ज़रूरी है, तो एक रैंडम वैल्यू हमें वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। सो यहाँ पर अवेलेबल एक्शंस की जो रेंज है वो हम पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो अवेलेबल जो हमारा एक्शन है वो एक तरीके से एक यू मान लो कि आप ग्लोबल वेरिएबल बन रहा है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। सो अवेलेबल एक्शंस हो गए हमारे पास में, जो भी अवेलेबल एक्शन है जो भी यहाँ से रिटर्न होगा। और इसके अंदर देखिए हमने क्या किया, अवेलेबल एक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया इस जगह पर, अवेलेबल एक्शन इक्वल टू अवेलेबल एक्शंस और इनिशियल फंक्शन, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट पास किया, तो इसके अंदर अवेलेबल एक्शंस आ गए, ठीक है। और अवेलेबल एक्शन ये वाला फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, इसके अंदर मैंने अवेलेबल एक्शन पास कर दिया, जितने भी अवेलेबल एक्शंस थे हमारे पास कर देता हूँ। मैं इस रेंज को बता इसको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अवेलेबल एक्शन, और ये हमारा मैंने पास कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, और इसमें से ये रिटर्न करेगा मेरे को क्या, एक एक्शन, एक एक्शन रिटर्न करेगा। तो जो भी एक्शन रिटर्न करेगा करंट स्टेट के ऊपर हमें ये एक्शन लेना है जिसकी गामा वैल्यू ये है, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर जो क्यू वैल्यू है हमारी, जो जो क्यू था वो मेरे को यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, जो मैंने आपको फंक्शन। सो इसके अंदर जो शेप है वो ये बताता है अपनों को कि जो साइज ऑफ अरे है उसके बारे में। तो अगर वो साइज है, अगर इस पर्टिकुलर मैक्सिमम इंडेक्स की जो साइज है जो यहाँ से अपन लेके आ रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह से, तो अगर वो 1 से ज़्यादा है तब तो अपन उसमें से रैंडम चूज करने की ज़रूरत है अपनों को, ठीक है, उसमें से कोई रैंडम इंडेक्स चूज करने की ज़रूरत है जिसकी साइज 1 है। अगर वो 1 से छोटा ही है या 1 के इक्वल है तो फिर बाद में यार सीधा सीधा एक वैल्यू थे उसको इंट में कन्वर्ट करो और डाल दो इसके अंदर। अब इन दोनों के अंदर से कोई एक चीज, एक वैल्यू आएगी उसके ऊपर, उस मैक्सिमम, उसके ऊपर हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो हम क्या कर लेंगे कि क्यू एक्शन लगाएंगे अपन, और उसकी मैक्सिमम इंडेक्स जो भी उसका मैक्सिमम इंडेक्स है यहाँ से आएगा वो क्यू के ऊपर, जो क्यू की वैल्यू है या तो 0 है या फिर वो अपडेटेड वर्जन है वो इसके अंदर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, क्यू की करंट जो स्टेट है हमने जो पास की है और जो एक्शन है और जो गामा वैल्यू है, अब वो जो एम मैट्रिक्स ऊपर जो एम मैट्रिक्स बनाई थी ये वाली मैट्रिक्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको लेंगे इस करंट स्टेट और एक्शन के ऊपर, ठीक है, और इसमें प्लस करेंगे गामा मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू, जो भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आया, जो भी क्यू की वैल्यू, क्यू की मैक्सिमम वैल्यू उस पर्टिकुलर स्टेट पे क्या है, ठीक है, तो वो हमारे पास में आ जाएगी यहाँ पर इस मैक्सिमम वैल्यू के अंदर। और क्योंकि उस पर्टिकुलर एक्शन के अंदर हमें ये चूज करना पड़ेगा, बाय रैंडम ही हम चूज कर रहे हैं कि भाई साहब ये हमारे पास में मैक्स है, हमने जितनी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल थी हमने उसको इसके अंदर डाल दिया, जो भी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल थी इसके अंदर डालकर, और उनमें से क्योंकि वो सारी मैक्सिमम है तो उनमें से किसी एक को हमने रैंडमली चूज कर लिया और उसकी क्यू वैल्यू को हमने मैक्सिमम वैल्यू के अंदर डालकर गामा से ऐड करवा कर हमने उसके उसको क्यू के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। अगर हमारा एनपी डॉट मैक्स क्यू है, अगर एनपी डॉट मैक्स क्यू अगर 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, जो जो भी मैक्सिमम क्यू है अगर वो 0 से बड़ा, वैसे तो बाय डिफॉल्ट 0 थे लेकिन अगर वो 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे जो भी सम है, सम करेंगे क्यू डिवाइडेड बाय एनपी डॉट मैक्स क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक तरीके से हम यू मान लो आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। सो जो भी क्यू है क्यू डिवाइडेड बाय एनपी डॉट मैक्स, मैक्सिमम जो क्यू है उसको डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उन सब का जो भी समेशन है, सारी क्यू ले रहे हैं और उन क्यू की जो मैट्रिक्स है उस सब को हम समेशन करते जा रहे हैं, सबको समेशन करते जा रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, अगर वो 0 से बड़ा है तो। अगर वो 0 से बड़ा नहीं है, 0 के इक्वल है तो हम डायरेक्ट 0 कर देंगे। देखिए यहाँ पर जब हमने अपडेट किया इनिशियल स्टेट को, एक्शन जो पास किया और गामा की जो वैल्यू पास की, एक्शन हमने जो भी पास किया और जो गामा की वैल्यू पास की, एक्शन तो हमारे पास में यहाँ से आ गया इस पर्टिकुलर एक्शन के ऊपर,
जब हमने गामा की जो वैल्यू दी यहाँ पर, जो गामा की वैल्यू 0.75, तो हमारा आंसर आया 0। ठीक है, अब हम अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे ट्रेन करेंगे और इवेल्युएट करेंगे जो बोट को यूजिंग दी क्यू मैट्रिक्स को यूज करते हुए। लिख देता हूँ DR ट्रेनिंग बोर्ड यूजिंग दी क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, क्यू मैट्रिक्स को यूज करना है और उसको यूज करते हुए करना है। तो हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1000, हम इस रेंज के अंदर गए, मतलब इतने नंबर ऑफ इटरेशन टाइम हम ये सब चीजें करना चाहते हैं। हमने कहा था ना कि वो डिपेंड करता है कितने इटरेशन, कितनी बार आप ये सब करना चाहते हो। ठीक है, सो हम इतनी बार करना चाहते हैं इसको। फिर बाद में, इसके बाद में हमने क्या किया, करंट स्टेट के अंदर से np डॉट रैंडम डॉट रैंडिट 0 से लेकर जो भी क्यू की जो शेप है, क्योंकि जो शेप है वो तो हमने यहाँ पर ऊपर डिफाइन की थी, क्योंकि शेप जो मैट्रिक्स की साइज है वो है 11, तो उसमें से हम कोई भी रैंडम वैल्यू ले लें, करंट स्टेट के लिए कोई भी रैंडम ले लें, रैंडम ले लिया, उसके ऊपर अवेलेबल जो एक्शन है वो लगा लिया। ठीक है, अवेलेबल एक्शन ये वाला अवेलेबल, जितने भी अवेलेबल वो कौन कौन से ग्राफ के ऊपर जा सकती, सॉरी कौन कौन से नोड के ऊपर जा सकती है, यहाँ से अवेलेबल एक्शन की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। फिर एक्शन, जो भी एक्शन हम लेंगे अवेलेबल एक्शंस के ऊपर, कौन कौन से एक्शंस हम सैम्पल नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं वो हमने यहाँ से देख लिया, रैंडमली ले रहे हैं हम। ठीक है, फिर हमने स्कोर कर लिया, स्कोर हमारा अपडेट से आ गया, जो भी अपडेट करेंगे उससे हमारा स्कोर आ जाएगा, और हमने वो स्कोर को रैंडम इसके अंदर, स्कोर्स के अंदर प्रिंट करवा लिया। तो मैं रुक जाओ, इसको मैं करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ स्कोर्स को भी, यहाँ पर स्कोर्स को भी प्रिंट करवा दिया मैंने, स्कोर्स को भी प्रिंट करवा दिया, इस इन दोनों को कमेंट आउट कर दिया, इन दोनों को यहाँ पर कमेंट आउट कर दिया, सॉरी कमेंट आउट कर दिया मैंने। अब मैं एक बार इसको रन करवा के देखता हूँ, तो ये जो है हमारा स्कोर आ गया। ठीक है, सो हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग स्कोर है हमारा, अलग अलग स्कोर है। ठीक है, और ये कि इसकी जो साइज है, अगर मैं इसकी साइज देखूँ तो वो नंबर ऑफ इटरेशन के आधार पे है, प्रिंट लेन ऑफ स्कोर्स, सो लेंथ ऑफ स्कोर है वो हमारी आ जाएगी 1000 आनी चाहिए। देखो मैंने करवाया, लेंथ 1000 है हमारी, क्योंकि वो नंबर ऑफ इटरेशन 1000 है इसमें। ठीक है, सो ये हो गया यहाँ तक। अब अगर मैं जो वो ट्रेंड क्यू मैट्रिक्स आई है, अगर मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, क्योंकि वो सारी के ऊपर ही हमें ये लगाना है, सारे मैट्रिक्स को मेरे को डिवाइड करना है एनपी डॉट मैक्सिमम क्यू जो मल्टीप्लाइड हो रहा है 100 से, सो मैक्सिमम ऑफ क्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके सबके ऊपर मेरे को लगाना है। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी साइज है बहुत बड़ी, बहुत स्पेस ले रही है। प्रिंट आउट करवाया, तो यहाँ पर देखिए ये मेरी ट्रेंड क्यू है, तो जीरो वाले तो जीरो ही रहेंगे, और जो जो मतलब मैट्रिक्स से हम दूसरे पे जा रहे थे उसको हमने डिवाइड किया, और हमें ये देखिए एक तरीके से परसेंटेज निकल के आ गया इसका। ठीक है, सो क्यू अपडेट होने के बाद में जो भी उसका क्यू वैल्यू का जो परसेंटेज था वो अपडेट होकर मेरे पास में आ गया। ठीक है, 56.23 इस तरीके से मेरे पास में आ गया। अब मैंने यहाँ पर टेस्टिंग की है, यहाँ पर तो इवेल्यूएट कर ली उसकी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू थी क्यू मैट्रिक्स की। ठीक है, अब उसको टेस्ट करना है, तो करंट स्टेट कर दिया मैंने 0, स्टेप्स कर दिया करंट स्टेट, जितने भी स्टेप्स हैं मैंने एक अरे डाला और उसके अंदर सबसे पहले 0 डाल दिया मैंने, कितने स्टेप्स में मैं वहाँ पर जा पाऊंगा। सो
स्टार्टिंग कर रहे हैं हम जीरो से, तो एक मैट्रिक्स के अंदर जीरो लगा दिया हमने, ठीक है, जीरो लगा दिया। फिर बंद में एक वाइल लगाया जब तक कि हम गोल जो स्टेट है वो 10th है, जब तक कि हम वहां पर ना पहुंच जाए। सो नेक्स्ट स्टेप इंडेक्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो क्यू के अंदर जो मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमम है उसका फर्स्ट निकाल लेंगे, तो हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप्स आ जाएगा। सो एक सेकेंड इसको दिखाता हूँ करके। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको करंट स्टेट की जगह पर डाल देता हूँ जीरो, जीरो डाल देता हूँ, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू डाल देता हूँ जीरो, जीरो डाल दें, इसको रन करवाएं। सॉरी, नेक्स्ट स्टेप इंडेक्स को मैं इसको प्रिंट करवाना, जिसको मैंने प्रिंट करवाया, तो हमारे पास में एक अरे आ गई 1, ठीक है, ये सिर्फ एक ही अरे है जिसके अंदर ये इक्वल टू मैक्सिमम है। सो ये कह रहा है कि जहाँ मैक्सिमम इसके इक्वल है, ठीक है, वो हमें लेके आना है, किसके ऊपर ये इक्वल है, मतलब करंट स्टेट, मान लीजिए जो भी रो है उस पर्टिकुलर रो के अंदर मैक्सिमम कितने इक्वल है, मैक्सिमम के कितने इक्वल है। सो पूरी जो क्यू है उसके अंदर जो मैक्सिमम है उसके इक्वल कितने कितने हैं, सो कौन कौन से उसके इक्वल हैं, हमें पता चला कि इंडेक्स जो लोकेशन 1 है वो इसके इक्वल है, उसके इक्वल करवा दिया हमने, ठीक है। सो फिर बाद में हमने क्या किया, अच्छा ये एक चीज बता दूं मैं, हर बार जितनी बार मैं ये चलाता गया ना, आपने देखा कि ये आ गई एक वैल्यू आ गई, तो इसके लिए ऊपर वाले एक बार इन सबको हम फिर से रन करवा देता हूँ, क्योंकि वो हर बार है ना उसको इंडेक्स को अपडेट कर रहा है, हर बार अपडेट कर रहा है, इसकी वजह से वो दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत हो गई फिर से। इसको मैंने रन करवाया, ठीक है, यहाँ पर इसको रन करवाया, ठीक है, यहाँ पर इसको रन करवाया, ठीक है, इसको रन करवाया, जीरो आ गया, इसको रन करवाया, हाँ ठीक है, क्योंकि वो अपडेट कर दे रहा है ना बार बार में, उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा है, तो वो बाद में एक अपने पास में आ जाएगा हॉरिजॉन्टल एस्मटोट वैल्यू। सो जितनी बार हम रन करवाएंगे उतनी बार वो चेंजेस आएगा, तो इसकी वजह से हमारे पास में ये आ जाएगा। अगर इस इंडेक्स की जो शेप है, अगर उसकी जो पूरी साइज है, अगर वो 1 से बड़ी है, तो हमें किसी किसी एक को चूज करना पड़ेगा उसमें से, ठीक है, रैंडमली हमें किसी एक को चूज करना पड़ेगा, नहीं तो हम उसी को उठाकर नेक्स्ट स्टेप इंडेक्स के अंदर लेकर और उसको क्या करेंगे, स्टेप्स जो स्टेप्स है इसके अंदर, सबसे पहले तो इसके अंदर अपेंड करवा देंगे, इस लिस्ट के अंदर अपेंड करवा देंगे, और जो नेक्स्ट जो करंट स्टेट हो जाएगी अब, वो करंट स्टेट जो हम ये जो नेक्स्ट स्टेप इंडेक्स है ये हो जाएगा करंट स्टेट, ठीक है। और ये हम जब तक कि हमारे पास में 10 तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हमें करना पड़ेगा, और हमें जो मोस्ट एफिशिएंट जो पाथ है वो मिल गया 0 1 3 9 10, 0 0 1 3 9 और 10, ये हमें मोस्ट एफिशिएंट पाथ मिल गया, नहीं तो और में क्या हो रहा था, 0 1 3 7 8 9 10, इधर से भी जा सकते हैं अपन, 0 1 7 9 8 9 10, लेकिन ये बड़ा है तो 0 1 3 9 8, इसमें 1 2 3 4 5 और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6 है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, यहाँ से आ ही नहीं सकते, तो सबसे जो छोटा पाथ है वो यही है, ठीक है, सबसे छोटा पाथ हमें मिल गया। और इसके अंदर कितने रिवॉर्ड्स मिले, नंबर ऑफ इटरेशन के अंदर, फर्स्ट इटरेशन के अंदर कितने रिवॉर्ड मिल रहे हैं अपनों को, 0 ही मिल रहा है, सेकेंड के अंदर जब हम 200 इटरेशन्स के ऊपर पहुंचे तब हमें 200 रिवॉर्ड्स मिल रहे थे, ठीक है, कुछ सॉरी 200 के ऊपर पहुंचे तो गलत बता दिया, यहाँ तक आ गया अपन, इस जगह तक आ गया है ना। इसके अंदर मैं एक और चीज कर देता हूँ, सो इंक्लूडिंग ग्रिड व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू जस्ट दिस फंक्शन वी हैव टू मेक इट ट्रू, सो वी विल फाइंड द ग्रिड हेयर, सो नाउ वी कैन इजीली सी कि 200 के अंदर ये लगभग यहाँ पर 1000 से 1200 के बिटवीन पहुंच गया,
फिर 400 के अंदर ये, अब ये 400 से है ना, ये लगभग इसके पार, इस इटरेशन के पार, अब ये यहीं पे चलेगा 1200 से 1400 के बीच में। अब चाहे से अपन जितने मर्जी इटरेशन कर लें, जितने मर्जी इटरेशन पे, यहाँ पर रेंज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से रन करवा दो इसको, फिर से रन करवा दिया, फिर से देखो यार यहाँ पर जो रिवॉर्ड सिस्टम है अब वो लगभग उसके ऊपर ही जाएगा। फिर से यार इसको वो करवा दो, रन करवा दो, एक दो बार और रन करवा देता हूँ। और रन करवा देता हूँ, और रन करवा देता हूँ। अब देखिए ये रिवॉर्ड जो सिस्टम है इसका, इतने इटरेशंस के बाद में जो नंबर ऑफ इटरेशंस है वो बढ़ते जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर वो 1000 ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशंस। तो वो कह रहा है कि इसके बिटवीन ही चलेगा। ठीक है, मैं आपको फिर से यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशंस 10,000 करके दिखाता हूँ। शुरुआत से मेरे को सारा करना पड़ेगा, रन करवाना पड़ेगा इसको। रन करवा दिया, ठीक है, इसको मेरे को 10,000 कर देता हूँ, है ना। और अब इसको रन करवाता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए इसके बाद में 1200 से 1400 के बीच में ही रह गए। जैसे वो 1000 के बाद में गया, वो हॉरिजॉन्टल एस्मोटोट पे आ जाएगा। कह रहा है कि इससे ज़्यादा तो भाई साहब मैं नहीं कर सकता, ठीक है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई रिवॉर्ड नहीं मिल सकते। ज़्यादा से ज़्यादा इतने रिवॉर्ड मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा इसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो यहीं पे आ जाएगा। तो सबसे मोस्ट एफिशिएंट वे है। अब हमें अगर इसको डिफाइन करना है किसी तरीके से, डिफाइन करना है, विजुअलाइज करना है न्यू ग्राफ विद इन दी इन्वायरमेंटल क्लूज के आधार पे, सो वो मैं कैसे करूँगा, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ आपको डिफाइनिंग दी लोकेशन ऑफ। मान लीजिए कि लोकेशन है कोई, ये एक लोकेशंस है, अलग अलग लोकेशंस है। हम ये मान लेते हैं कि एक लोकेशंस है और उनके ऊपर पुलिस जाना चाहती है। लोकेशन ऑफ द पुलिस, एक तो पुलिस की लोकेशन है और एक और ये ड्रग्स माफिया जो है वो हमारे देश शहर में घूम रहा है, तो उनको हमें ट्रेस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं सबसे पहले तो नाम दूँ डिफाइन एंड इन्वायरमेंट क्लूज के साथ में हमें न्यू ग्राफ्स के साथ में आगे चलना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम पूरे कोड को यहाँ पर ले आते हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, लोकेशन कर रहे हैं पुलिस और ड्रग ट्रेस की। ठीक है, ये हमें हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम में डालता है ये पर्टिकुलर कोड। देख लेते हैं, रन करवा कर। अच्छा, ये एरर दे रहा है। अब इस पर्टिकुलर कोड से मैंने वो जो प्रॉब्लम है वो दूर कर दी। तो देखिए यहाँ पर इंपोर्ट किया सबसे पहले तो नेटवर्क एक्स को, और फिर मैट प्लॉट लिब को मैं लेके आ गया पाइप प्लॉट के, ऐसे जो उसके अंदर पाइप प्लॉट को एज ए पी एल टी मैंने इंपोर्ट कर लिया। डिफाइन कर रहे हैं लोकेशन ऑफ पुलिस एंड ट्रेस को, तो मान लीजिए कि पुलिस है हमारे 2, 4 और 5 इन जगहों पर पुलिस है, और ड्रग जो ट्रेसेस करने हैं वो 3, 8 और 9 इन जगहों पर ये है। अब हमारा जो भी ग्राफ है, हमने एक ग्राफ बना लिया जी नाम का, उनके अंदर जो एजेस हैं वो ऐड करवा दी हमने, जितनी भी एजेस हैं ऊपर वाली, उन्हीं एजेस को वो जो ऊपर डिफाइन की थी यानी उन्हीं एजेस को वो कर दी। ऊपर वाली एजेस को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक बार हमारे पास में डिफाइन हो गया। हमने मैप करवा दिया 0, कुछ इस तरीके से 0 करवा दिया, 0 डिटेक्टिव, 1 के साथ में करवा दिया 1, 2 के साथ में जहाँ पर पुलिस है, 3 के साथ में जहाँ पर ड्रग ट्रेस करवाना है, इन इन जगहों पर मैंने ये मैपिंग कर दी इसकी। ठीक है, मैपिंग कर दी, और एच इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, रीलेबल कर दिया नोड्स को, और जिसके अंदर मैंने ग्राफ डाला और मैपिंग की उसकी, और इन सब की यहाँ पर पोजिशन भी ले ली मैंने, रैंडमली पोजिशन ले ली। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ नोड साइज बेस्ड ऑन द नोड्स लेबर।
जो भी नोट्स लेबल है उनके हिसाब से नोट की जो साइज है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो नोट साइज मतलब इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी एक नोड की साइज जो कितनी साइज रहेगी नोड की उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, उससे हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर पुलिस है तो 200 कर दो, और एल्स कंडीशन में अगर ड्रग ट्रेस है तो 300 कर दो, नहीं तो एल्स में 100 कर दो, नहीं तो 300 कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उनकी साइज डिफाइन कर दी और फिर बाद में मैंने सबको ड्रॉ करवा दिया। तो ड्रॉ करवा दिया नेटवर्क नोड्स को, यहाँ पर देखिए ऊपर वाली जगह पर तो हमने ग्राफ और पोजीशन दी थी, यहाँ पर मैं उसके नोड की साइज भी दे रहा हूँ कि भाई साहब एक नोड की साइज क्या होनी चाहिए। ठीक है, फिर उनके एजेस को, फिर उनके लेबल्स को, इस तरीके से मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब मैंने जो एक्सेस है इसको ऑफ नहीं, ऑन कर देता हूँ, ऑन करता है, यहाँ पर एक्सेस भी आ जाएगा इसमें, ये देखिए एक्सेस भी आ गया। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो एक्सेस नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये हमारा आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर ड्रग ट्रेसेस है, ड्रग ट्रेसेस है, यहाँ पर ड्रग रैकेट लोकेशंस, तो कुछ इस तरीके से, हाँ ड्रग रैकेट वन, ये रैकेट चल रहे हैं इन जगहों पर, पुलिस है। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं न्यू ग्राफ्स को क्लूज के अकॉर्डिंग। अब हम कुछ यूटिलिटी फंक्शंस को मतलब ट्रेन करना चाहते हैं, सो यूटिलिटी फंक्शंस हैं इसके ऊपर, इसी ग्राफ के ऊपर मैंने इन यूटिलिटी फंक्शंस को लिया। देखो ये ऊपर वाला ही है, कुछ नया नहीं है, ऊपर वाला ही है, लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंचना चाहते हैं विद दिस, सो कुछ नया नहीं है ये, आप इसको मिसकंसेप्चुअल मत कर लेना। यही ऊपर वाले फंक्शंस को मैं कॉपी कर लूँगा और उनको मैं यहाँ पर डाल दिया, इनको अपडेट कर रहा हूँ, सो अपडेट वगैरह सारे के सारे वही हैं, कुछ नए नहीं है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर एक दो फंक्शंस जो नए आएंगे वो ये आ जाएंगे कि भाई साहब यहाँ पर मैं कलेक्ट करूँगा नए इन्वायरमेंट को या फिर उस तरीके से, तो ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं आ जाएगी। यहाँ देखिए इसको अगर देखा इंडेंटेशन, ठीक है, सो वही है सारे के सारे। अवेलेबल एक्शन, जो अवेलेबल एक्शंस है, सैंपल न्यू कलेक्शन, यहाँ पर सिर्फ एक चीज आई है एक्सप्लोर करने के लिए, जो इन्वायरमेंट एक्सप्लोर करना है। तो हमें क्या करना है, एक्शन जो भी हम भेजेंगे फाउंड, तो हम क्या करेंगे, एक्शंस इन पुलिस, पुलिस वाले के अंदर जो एक्शंस है वो, तो उनको हम फाउंड में अपेंड कर देंगे पी के एज ए, और जो भी एक्शन ड्रग ट्रेस के अंदर पाए गए हैं उसको डी के एज ए अपन इसके अंदर फाउंड के अंदर अपेंड कर देंगे इस लिस्ट के अंदर, और उसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, सो हमने क्या किया, एक्शन को कॉल किया, अवेलेबल एक्शंस को कॉल किया, उसके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता है उसको मैंने किया, फिर मैंने यही सेम फंक्शन हो किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज मेरे पास में अपडेट की जो चीज़ है वो नहीं आ जाएगी मेरे पास में यहाँ पर, कि जो अपडेट हो रहा है वो तो ये सब तो है ही, लेकिन इन्वायरमेंट के आधार पे भी जो भी इन्वायरमेंट है, अगर पी इसके अंदर है तो हम क्या कर देंगे, इन्हीं पुलिस के अंदर जो करंट जो और एक्शन है उसको हम प्लस इक्वल टू वन कर देंगे बस, और ड्रग्स के अंदर भी इस तरीके से इक्वल टू प्लस कर देंगे, उसको वन करवा देंगे हम बेसिकली, जो भी पुलिस वाली अरे है और जो भी ड्रग्स वाली अरे है बस, और इतना सा काम करें और कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इसके अंदर हमने ये कर दिया, इन्वायरमेंट ले लिया, अब यहाँ पर अपडेट करना था, तो मेरे को इस पर्टिकुलर जगह से मैंने कलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, अपडेट करवा दिया, अपडेट वही सेम चीज़ है ऊपर वाले में, जो वो एग्जाम्पल ही तो है भाई ये इसका, यहाँ पर मैंने करना था कि पी इक्वल टू इन्वायरमेंट और ये इसके अंदर, और फिर रिटर्न करवा दिया, वही सेम चीज़ें। फिर अवेलेबल एक्शंस विद इन्वायरमेंट हेल्प, जो इन्वायरमेंट हेल्प के ऊपर जो अवेलेबल एक्शंस है हमारे पास में वो हमें लेने थे, तो इसके अंदर हमने देख लिया कि करंट स्टेट, वही करंट स्टेट्स रोल ले लिया हमारे पास में, अवेलेबल एक्शंस जो हमारा जो इसमें आएगा, जो इन्वायरमेंटल पुलिस जो रो है वो इन्वायरमेंटल पुलिस की उस पर्टिकुलर स्टेट और अवेलेबल एक्शंस के आधार पे, जो भी अवेलेबल एक्शन आधार पे जो यहाँ पर एक लिस्ट बनेगी उसके आधार पे कितनी पोजीशंस यहाँ पर आएगी, कौन कौन सी पोजीशंस यहाँ पर आएगी, वो हो गया। अब इस पूरी का सम कर लिया मैंने, अगर ये 0 से छोटा है
तो हम क्या करेंगे, कैन वी रिमूव द नेगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम अवेलेबल एक्ट, कैन वी डू सो। सो जो टेम्प्रेरी अवेलेबल एक्शंस है उसको हमने क्या किया, अरे ये जो अरे है इसको कन्वर्ट करके इसकी जो फर्स्ट वाली है, अगर ये वाला 0 0 से इक्वल है, उससे ग्रेटर देन या इक्वल है, वो हमने इसके अंदर डाल दिया। अगर इसकी लेंथ अगर 0 से ऊपर है तो हमने क्या किया, अवेलेबल एक्शंस को टेम्प्रेरी एक्शन से रिप्लेस करके और अवेलेबल एक्शंस को भेज दिया। नहीं तो अगर इसकी लेंथ अगर उससे छोटी है तो हमने अवेलेबल एक्शंस को ही भेज दिया। तो ये क्या किया, अवेलेबल एक्शंस विद इन्वायरमेंट जो वो है उससे हमने डिटरमाइन किया। अब हम क्या कर रहे हैं, पुलिस कितनी बार पुलिस को पकड़ में आया और कितनी बार ड्रग्स जो ट्रेस है वो फाउंड हुए, कितनी बार तो ड्रग्स ट्रेस फाउंड हुए और कितनी बार पुलिस वो आई, तो वो उसका एक कंप्लीट जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास में आ गई। कौन कौन से पर वो हम जब जा रहे हैं उस ग्राफ के ऊपर, हम जब जा रहे हैं घूम रहे हैं तो हमें कितनी बार तो पुलिस मिली और कौन कौन सी जगह पर हमें ड्रग्स मिले, सो वो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, इन जगहों पर हमने ये देख लिया कि भाई साहब इन जगहों पर कहाँ कहाँ हमें ये सब चीजें मिल रही है, तो वो चीज हमने इससे अपडेट करवा ली। ठीक है, अपडेट करवा ली और ये जो स्कोर है वो हमने यहाँ पर जो भी रिवॉर्ड गेन हुए नंबर ऑफ इटरेशन के दौरान वो हमने यहाँ पर देख लिया। तो सेम वही है, उसका एग्जाम्पल था ये, तो एग्जाम्पल यही था कि हमें देखना था कि डिफाइन द लोकेशन ऑफ पुलिस एंड द ड्रग ट्रेन, ये एग्जाम्पल था और उससे हमें ये आ गया। तो यहाँ पर जा रहे थे हम, इसके ऊपर घूमा तो कहाँ कहाँ तो हमें ड्रग ट्रेस हुई और कहाँ कहाँ हमें पुलिस मिले, तो वो सब चीजें हमें यहाँ पर इसके थ्रू देख लिया। और नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स जो हमें गेन हुए नंबर ऑफ इटरेशन में, हर बार जब हम जा रहे थे तो कितने नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स हमें गेन हुए उसका एक ग्राफ हो गया, 0 पे कितने, 200 पे कितने, 300, 400 पे कितने, 600 पे कितने, 800 पे कितने, 1000 पे कितने, ये हमें नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स आ गया। तो ये जो देख बेसिकली जो ये कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी, ये जो फाइल है यहाँ से आप डाउनलोड करके और देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जितने भी फेल हुए हैं या फिर बाद में मैंने जो सही किया है सारी चीज़ मैंने इस फाइल के अंदर रख रखी है, वो मैं डिलीट करके और आपको सही तरीके की जो फाइल है वो आपसे शेयर कर दूंगा। ये पर्टिकुलर वाला है वो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला हमारे पास में एग्जाम्पल है, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।